हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से प्यार भर नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइज़, आज मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को मेरे पास जो प्रेजेंट है सुंदर से ये हाइड्रेंजिया, वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। सो गाइज़, वीडियो को फुल वॉच करें और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये जो हाइड्रेंजिया है गाइज, ये हमारा 3 साल पुराना हाइड्रेंजिया है। इनको हमने कटिंग कर करके बूशी बनाया है गाइज, और इन्हीं के कटिंग से दूसरे बहुत सारे नए नए हाइड्रेंजिया भी हम लोगों ने बनाए हैं, जो मैंने नर्सरी में सेल करने के लिए रखे हैं। मैं आप लोगों को आगे वीडियो में दिखाऊंगी। हाइड्रेंजिया आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में मिल जाएंगी। मेरे पास 2 कलर्स में अवेलेबल है, एक है बेबी पिंक और दूसरा है स्काई ब्लू। देखिए शेर भी कैसे लेटा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा तेज धूप पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये जो हाइड्रेंजिया है, इनको मैंने बड़े बड़े गमलों में लगाया है, 2 गमलों में ये पूरा भरा पड़ा है। ये देखिए कितना ज़्यादा सुंदर होता है। इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये क्लस्टर में खिलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं, आप लोग देख सकते हैं। इनके जो स्टेम और ब्रांचेस होते हैं वो थोड़े से मैच्योर होने के बाद वुडी हो जाते हैं। गाइस, ये जो हाइड्रेंजिया है ये फ्लरिश करती है पोरस मॉइस्ट सॉइल में, और इनको बहुत सारा अमाउंट का कंपोस्ट चाहिए। इनको गाइस ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर मॉर्निंग की सनलाइट में आप इनको 4 घंटे तक रखेंगे तो अच्छा रहेगा गाइस। दिन की जो कड़कती धूप होती है उनसे थोड़ा इनको बचा के रखिए। दिन की कड़कती हुई धूप में इनके जो पत्ते होते हैं वो एकदम सिकुड़ जाते हैं, और इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो भी पूरी ख़राब हो जाती है गाइस। तो इसीलिए मैंने भी इनको शेड में रखा है। मैंने इनको अपना जो मेन गेट है, मेन गेट के साइड में रखा है गाइस। वहाँ पर जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनका छाँव आता है, तो इसीलिए मैंने इनको यहाँ पर रखा है। क्या आपको पता है इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो कलर्स भी चेंज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पीएच ऑफ द सॉइल गाइस। अगर सॉइल एसिडिक बहुत ज़्यादा है तो ये जो फूल होते हैं ये पूरे पिंक कलर में टर्न हो जाते हैं। गाइस, अगर मैं बेस्ट टाइम बताऊँ हाइड्रेंजिया को प्लांट करने के लिए तो वो होगा स्प्रिंग एंड ऑटम का सीज़न। इसमें जो होते हैं सॉइल वार्म एंड मॉइस्ट रहते हैं। Planting in summer is doable, but you will have to keep an eye on moisture levels of the soil. कि गाइस, अगर आप चाहें तो आप इनको गर्मी में भी ग्रो करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको इनका जो मॉइस्चर लेवल है वो अच्छे से मेंटेन करना है, नहीं तो आपका प्लांट नहीं बचेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अगर मैं वाटरिंग की बात करूं तो गाइस, मैं तो हमेशा शाम को ही पानी देती हूं। शाम को इनमें बहुत सारा पानी देती हूं गाइस, क्योंकि दिन भर बहुत कड़कती हुई धूप रहती है, तो इनका जो है सॉइल में मॉइस्चर लेवल मेंटेन करने के लिए ही पानी ज़्यादा देती हूं। इनके लिए गाइस हमने पत्तों की खाद का थोड़ा सा कम इस्तेमाल किया है। हमने इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो गाय की गोबर का खाद होता है उसका ज़्यादा उपयोग किया है, और नॉर्मल गार्डन सॉइल में ही इनको लगाया है। कभी कभी इनमें थोड़े थोड़े कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, और इनके रूट्स में भी थोड़े थोड़े से इन्फेक्शन हो जाते हैं गाइस। तो उसमें आप लोगों ने जो है इनके लिए केमिकल पेस्ट का उपयोग करना है। ये देखिए ये धूप से ख़राब हो गया है, तो इसको अभी कट करके फेंकना पड़ेगा। सो प्लांट में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई कोई ब्रांचेस और कोई कोई जो पार्ट होते हैं वो ज़्यादा धूप या फिर ज़्यादा बारिश की वजह से ख़राब होता है, तो आपको उस पार्ट को कट करके फेंक देना है, नहीं तो वहीं से पूरा इन्फेक्शन फैल जाएगा। देखिए कितना ज़्यादा सुंदर है, और इसको हम लोगों ने बूशी बनाने के लिए बहुत टाइम लगा, क्योंकि गाइस ये जो प्लांट्स होते हैं ये सिर्फ ये प्लांट नहीं, दूसरे भी प्लांट जो होते हैं, कोई भी प्लांट वो एक दिन में नहीं उगता है या फिर एक दिन में नहीं खिलता है। उसको ग्रो करने के लिए बहुत समय चाहिए, बहुत साल और बहुत मेहनत चाहिए होती है। अगर आप इनको प्रून करना चाहते हैं तो आप मिड स्प्रिंग में इनको प्रून कर सकते हैं, वो बेस्ट मंथ रहेगा इनकी प्रूनिंग के लिए।
जब फ्लावरिंग ख़त्म हो जाती है उसके बाद आपको जो है एक ब्रांच कट करना है, जो भी ब्रांच आप लगाना चाहिए उस ब्रांच को। और गाइस कट करने के बाद पहले तो 2 से 3 लीव्स को रिमूव कर दीजिए। जितना आप सॉइल में ब्रांच को लगाएंगे उतने तक का लीव्स को पूरा रिमूव कर लीजिए। और रिमूव करने के बाद वो जो आपका ब्रांच है जिसको आपने कट किया है उसे आप 45 डिग्री एंगल में कट कीजिए शार्प सीजर या फिर नाइफ की मदद से। और इट शुड बी वेल सैनिटाइज। अगर सैनिटाइज नहीं हुआ तो इन्फेक्शन मतलब कि हो सकता है, तो इसीलिए आप सैनिटाइज करें। उसके बाद फिर एज़ यूजुअल जो एलोवेरा का लीफ होता है फ्रेश वाला, उसमें आप अपना जो ब्रांच है उसको डिप कीजिए। और उसके बाद उसको अच्छे से जो मैंने बोला था आपको रॉ सॉइल में लगा दीजिए। अगर आप चाहें तो आप उनको पानी में भी ग्रो करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पानी में बहुत ज़्यादा समय लगता है सॉइल के हिसाब से, तो मुझे सॉइल में ही उनको लगाना बेस्ट लगा। आपको क्या लगता है आप एक बार मतलब कि एक्सपीरियंस करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ जानकारी मिलती है तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।